भाइयों भैंसा जो है बलवान है, देख लो प्योर मुर्रा नस्ल में है, और अभी किसान से पता करेंगे। तो भैया जिससे कुछ तैयार करा कोई पशु? एक कटिया तैयार करी जिससे। जी जी। 15 लीटर दूध दिया था पहले मन ने। जी जी। 4 दांत कटिया थी। अच्छा, 4 दांत कटिया थी। 2 लाख की वो बेची है। 2 लाख रुपए की बेच दी। अच्छा, अभी और कार्य कुछ नहीं है? अभी और कोई कार्य। अच्छा, मुर्रा में प्योर है जी? प्योर मुर्रा में जी। जी जी। तो भाइयों देख लियो, पहचान कर लियो, हमें कुछ कम पहचान है, अगर कोई पशुपालक हो तो इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है जी। जी ठीक है जी। तो एक हमारे उत्तर प्रदेश में भी भैया जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा। तो भैया एक चीज बताओ, आपने जैसे ये भैंसा तैयार करा जी, तो सबसे पहले आपने कहाँ देखा था कि नस्ल सुधार पर काम करा जाए? पहले युवराज देखा जी। युवराज देखा जी, हाँ जी। अच्छा, उसका ही हमने सीएम मंगवाया डॉक्टर से। जी जी। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में देखा था। कहाँ जो बनाई जा रही है स्पेशल इसी तौर पर? भैंसा दिखा रहा हूँ मैं आपको, पहले मैं इसकी हाइट लेंथ वगैरह सब कुछ नाप रखी, कुछ 6 फुट। 6 फुट। वेट कितना जी? वेट 13 क्विंटल। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं पहुंचा हूं गढ़ गंगा जी मेले पे, और भाइयों सामने से जो आप भैंसा देख रहे हैं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होगा भैंसा, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है नस्ल सुधार में बहुत पिछड़ा हुआ है। और ये भैंसा है भाइयों बलवान। ठीक है जी। तो जो भैया जी ने भैंसा तैयार करा, पहले तो मैं भैंसे के बारे में पूरी डिटेल लूँगा। ठीक है जी। बहुत ही शानदार तरीके से भैंसा तैयार करा गया एक नस्ल सुधार पर कार्य करने के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं भैया जी से मिलवा दूँ एक बार। हाँ जी भैया, थोड़ा सा तो एक बार आप अपना परिचय दे दो जी। नाम कुलदीप जी, गांव मैनीपुर, जिला बुलंदशहर। अच्छा को ठीक जी। तो भैया कितने दिन का है लगभग भैंसा? ये 3.5 साल का, 6 दांत। 3.5 साल का, 6 दांत। 6 दांत। अच्छा 6 दांत। और अगर इसकी बात करें तो नाम वगैरह क्या रख रखा है? इसका नाम बलवान है जी। बलवान है जी। इसका बाप जी? बाप युवराज का सीमन है जी। युवराज का सीमन है जी। हाँ जी। अच्छा। माँ का रिकॉर्ड? माँ का रिकॉर्ड आम किसान के 22 लीटर। 22 लीटर जी, हाँ जी। कहाँ से लेकर आए थे भैंस? राजस्थान। राजस्थान से लेकर आए? हाँ, चूरू चूरू से। अच्छा। तो भाइयों एक हमारे भैया जी का बहुत ही अच्छा प्रयास नस्ल सुधार की तरफ, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा जो है बहुत आगे है हमारे से, और एक पशुओं के लिए, क्योंकि वे नस्ल सुधार पर बहुत अच्छा काम कर रहे, और अच्छे अच्छे सीमन उनके पास में है, अच्छे अच्छे बुल है, और भैंसे वगैरह सब कुछ तैयार कर रखे उन्होंने। तो भैया जी की आज वीडियो बनाई जा रही है स्पेशल इसी तौर पर, भैंसा दिखा रहा हूँ मैं आपको, पहले मैं इसकी हाइट लेंथ वगैरह सब कुछ नाप रखी, कुछ 6 फुट। 6 फुट। वेट कितना जी? वेट 13 क्विंटल। 13 क्विंटल वेट है? 13 क्विंटल जी। हाँ जी। तो भैया यूनिवर्सिटी में जो मैंने वीडियो बनाई थी गोलू 2 की, तो भैया जी ने वो वीडियो देख के मेरे पास में कॉल करी थी, तो बुलंदशहर तो मेरा समय नहीं लग पाया, बाकी हमारी बात हो गई थी कि गढ़ गंगा जी पे आपकी वीडियो बनेगी ज़रूर। तो भाइयों भैंसे को देख लो पहले आप, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर रखा, अभी जो है भैया जी से और अच्छी जानकारी लेंगे। तो भैया अभी सीमन पे कोई कार्य नहीं करा? अभी कोई सीमन अभी लिया? अभी नहीं सीमन अभी नहीं लिया जी। अच्छा। तो एक चीज़ बताओ आप, इसमें जो खाने पीने की इसकी डाइट वगैरह के बारे में बताओ। इसकी डाइट 5 किलो दूध। 5 किलो दूध जी। चना? अच्छा जी। जई जी। बिलौना? अच्छा। चोकर जी। बंगा की खल? बिलौने खल। ये 8 किलो इसका आता है। 8 किलो डेली का? डेली का जी। अच्छा। हरा चारा उसमें जितना 10-5 किलो खा रही जी जी। तो वैसे आपने बुग्गी उग्गी में हिला रखा नहीं हो? नहीं, बुग्गी में नहीं हिलाया जी। बुग्गी में नहीं हिलाया जी। अच्छा। तो भाइयों 4 साल का भैंसा है, 13 क्विंटल वेट बताया भैया जी ने, और बहुत ही बढ़िया तरीके से भैंसे की तैयारी कर रखी। तो अगर वीडियो तो देखो काफ़ी दूर तक जाओगी, तो भैया की एक तो सपोर्ट करनी कि सीमन वगैरह लेके इन्हें किस तरीके से इसमें आगे काम करना। देखो भैंसा तो इन्होंने तैयार कर दिया, आगे तो सपोर्ट करने की बात है जी। ठीक है जी। तो एक हमारे उत्तर प्रदेश में भी भैया जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा। तो भैया एक चीज़ बताओ, आपने जैसे ये भैंसा तैयार करा जी, तो सबसे पहले आपने कहाँ देखा था कि नस्ल सुधार पर काम करा जाए? पहले युवराज देखा जी। युवराज देखा जी, हाँ जी। अच्छा। उसका ही हमने सीमन मंगवाया डॉक्टर से। जी जी। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में देखा था कहाँ जी? नहीं जी, वीडियो पे। अच्छा वीडियो पे युवराज देखा जी। तो वीडियो पे ही देख कर मन में आ गई कि हम भी कोई अच्छा सा पशु तैयार करें जी। पशु तो हम पहले भी रखे, पहले भगाने के हिसाब से रखे। अच्छा भगाने के था। हाँ। नहीं ये शौक बढ़िया जी, ये नस्ल के हिसाब से कर रहा। नस्ल देखो, एक तो भैंसे का शौक हो रहा। अच्छा फिर हमारे कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा बुल नहीं है जो सीमन के लिए तैयार हो? बिल्कुल। नहीं भैया जी की बहुत अच्छा प्रयास है भाइयों, और बुल भी जो है बलवान बहुत ही सुंदर और बढ़िया तरीके से तैयार कर रखा, अच्छी हाइट का भैंसा है। तो आप आगे क्या विचार है जी? जैसे अब ये है कि कहीं मेले कंपटीशन में लगे से लगाव में जी जी,
हाँ वहाँ से ही कुछ रास्ता निकलेगा है ना जी। तो भाइयों इस समय जो है हमारे डॉक्टर वगैरह जो सरकारी डॉक्टर लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, वे भी देखे इस चीज़ को। और मैं वीडियो आज इसलिए शूट कर रहा कि अपने उत्तर प्रदेश में जो हमारे डॉक्टर लोग हैं एक नस्ल सुधार पर अच्छा काम करें, आपके सीमन की यहाँ पे व्यवस्था बनावे करें जिससे हमारे यहाँ पे अच्छी नस्ल तैयार हो सके। तैयार हो गए हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतना अच्छा कार्य कोई कर नहीं रहा। हम भी अपने आत्मनिर्भर हो अपने ऊपर। हाँ बिल्कुल आत्मनिर्भर रहा है। अब हरियाणा में बताओ पशुओं से इतनी कमाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो पशुओं के मामले पिछड़ा हुआ है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों ये डॉक्टर लोग भी अगर वीडियो देखे तो भैया का सपोर्ट करियो। और भैंसा भी मैंने दिखा दिया, अभी सीमन इसका लिया नहीं गया और अब फुल तैयार है भैंसा। तो वीडियो आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार। तो भाइयों एक बार जो है भैया जी का मैं नंबर मोबाइल नंबर और वीडियो में देना चाह रहा हूँ। भैया जी एक बार नंबर बोल दो अपना। 89 अच्छा जी 25 जी 75 जी 95 जी। दूसरा नंबर भी है कोई? हाँ जी दूसरा भी बोल दो। 67 जी 99 जी 94 अच्छा जी 94 जी 47 जी। तो भाइयों दो नंबर दे दिए भैया जी ने। और जो भी भाई पशुपालक हो शौकीन हो पहले भैया जी से संपर्क करियो, इनका सपोर्ट करियो जिससे हमारा उत्तर प्रदेश भी नस्ल सुधार पर अच्छा कार्य कर सके। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।